यस सर। अब फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की प्रॉब्लम है। हिमालय लिमिटेड हैड 10,08% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 31 मार्च 2011। द कंपनी परचेज इन द ओपन मार्केट फ्रॉम फॉलोइंग डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ड आया है इमीडिएट कैंसिलेशन। ध्यान दीजिएगा, जब हम इमीडिएट कैंसिलेशन करते हैं, मैंने आपको बताया था, फिर हम इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर ना लिख के इमीडिएटली डिवेंचर इंटरेस्ट लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। 10 लाख का जो डिवेंचर है उसमें से हमने 1,000 डिवेंचर खरीदे हैं 1 जुलाई को 97 रुपीज पर, ठीक है, और इमीडिएट कैंसिल करें तो जनरल एंट्रीज हम पास करेंगे। सबसे पहले 1 जुलाई को 2010 है, 11 हम डिबेंचर खरीद रहे हैं, तो हम लिखेंगे ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। यहां हमने ओन डिबेंचर नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर टू बैंक। अब हमने कितने पे खरीदा है, 97 हमारी कम इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है यहाँ तो 97,000 कन्फर्म्ड है, यहाँ 1 लाख पे 8% से 3 महीने का ब्याज आएगा 2,000 रुपया। इसका मतलब है डिबेंचर खरीदे मैंने 95,000 के, अब इन्हें कैंसिल कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। 1 जुलाई 2011 को हम लिखेंगे 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिवेंचर कितने, या 1 लाख या 95,000, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 5,000। और अगली एंट्री होगी 1 जुलाई 2011 को ही प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व। ये हमारी 3 एंट्री होगी 1 जुलाई 2011 को। अब 29 फरवरी 2012 आया। 29 फरवरी 2012 से पहले हमारा आएगा 30 सितंबर 2011। इस दिन हमें क्या करना है, डिबेंचर इंटरेस्ट को डेबिट करके पेमेंट करनी है। लेकिन अब हम यहाँ डिबेंचर इंटरेस्ट कितने का देंगे, 1 लाख का, जी नहीं, अब हम चूंकि 1 लाख के डिबेंचर रिडीम कर चुके हैं, तो अब हमें सिर्फ 9 लाख पर ब्याज देना है 36,000, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग किस डेट को, 29 फरवरी 2012, हम खरीद रहे हैं डिवेंचर ओन डिवेंचर कितने, 1800 डिवेंचर खरीद रहे हैं 99 रुपीज पे। एक्स इंटरेस्ट प्राइस है तो यहाँ पर आ जाएगा 1,78,200। डेबिट करेंगे हम डिबेंचर इंटरेस्ट को टू बैंक। अब डिबेंचर इंटरेस्ट निकालिए, 1,80,000 की फेस वैल्यू पे 8% से 5 महीने का, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपया, ठीक है। अब 29 फरवरी 2012 को ही आप लिखेंगे 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर
टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। फेस वैल्यू आएगी 1,80,000, खरीदे हमने 1,78,200 में, तो 1,800 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ। और फिर ये 1,800 रुपये का फ़ायदा हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब आगे बात करें। 31 मार्च को ब्याज देना है, बिल्कुल देना है। 31 मार्च को डिवेंचर इंटरेस्ट कितने पे दोगे, जल्दी बताइए। 7,20,000 पे। क्यों? बाकी को तो हम दे चुके हैं 28,800। ठीक है, ये हम पे करेंगे। अब 31 मार्च को एक एंट्री और आपकी पास होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। जितना भी डिवेंचर इंटरेस्ट में बैलेंस है, चाहे आपने ये 2,000 रुपये दिए, फिर ये आपने 6,000 रुपये दिए, तो 36,000, तो 44,000, और ये 28, तो 78,000, 72,800, ये आप फिर 31 मार्च में जाके P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है जी, बस हो गई एंट्रीज। चलिए, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।